14 फरवरी को पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों के परिवारों एवं संपूर्ण भारत को न्याय दिलाने के लिए छात्रों और शिक्षकों द्वारा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय मुख्य द्वार पर शोक सभा आयोजित की गई। इस दौरान शहीद जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें छात्रों ने कहा कि भारत वीरों की भूमि है और वर्तमान में भारत माता के सुपुत्र आज भी देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने से नहीं चूकते, लेकिन जहां अच्छाई होती है वहां उसके साथ साथ बुराई भी होती है। उन्होंने कहा कि अपने देश में कुछ जयचंद जैसे देशद्रोही जो इस घटना का जश्न मना रहे हैं, वह आतंकवादियों द्वारा किए गए इस कुकृत्य का अनेक माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र शिव प्रसाद शुक्ला और छात्र नेता आलोक कुमार सिंह ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन पार्लियामेंट में जो चुप रहते हैं, जो विरोध करते हैं, वो सभी अपराध युवा वायु होता है और वायु जब धीरे धीरे बहती है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन अगर वो तेज बहती है तो प्रलय मचा देती है। लेकिन युवाओं को हमें अपनी शक्तियों को संभाल कर रखना होगा। ये सोचते हैं भारत के वीर जवानों के लिए सोचते हैं तो इसके लिए अपना तिरंगा फहराएंगे, हम अपना तिरंगा फहराएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। कुछ काम अब अंजाम दिखना चाहिए, शीघ्र हो कुछ काम अब अंजाम दिखना चाहिए, आतंक के आकाओं को शमशान दिखना चाहिए। शीघ्र हो कुछ काम अब अंजाम दिखना चाहिए, आतंक के आकाओं को शमशान दिखना चाहिए। और सरेआम फांसी हो, सरेआम फांसी हो कश्मीर के उन गद्दारों को, सरेआम फांसी हो कश्मीर के उन गद्दारों को। बस यही तोहफा मोदी जी, बस यही तोहफा दे दो शहीदों के उन परिवारों को, बस यही तोहफा दे दो शहीदों के उन परिवारों को। कृपया आज इस मौके पर ताली न बजा करके भारत माता की जय के नारे लगाएं। भारत माता की जय। बतलाओ, बतलाओ उन पाकिस्तानियों को सब कुछ गैरत हो जाएगा, बतला दो पाकिस्तानियों को कि सब कुछ गैरत हो जाएगा, जम्मू क्या लेंगे वो हमसे, पाकिस्तान भारत हो जाएगा, जम्मू क्या लेंगे वो हमसे, पाकिस्तान भारत हो जाएगा। धरती गरज रही है अब, धरती गरज रही है अब, आसमान भी रो रहा है, धरती गरज रही है अब, आसमान भी रो रहा है। भारत का बच्चा बच्चा अपना आपा खो रहा है, भारत का बच्चा बच्चा अपना आपा खो रहा है। और अब कुछ भी ना समझाना है, बस पाकिस्तान हिलाना है। शिव प्रसाद शुक्ला। आज ये दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सभी छात्रों द्वारा, सभी यहाँ के कर्मचारियों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, सभी के तरफ से ये अभी कुछ दिन पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में मारे गए सीआरपीएफ के जवानों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। ये केवल एकमात्र श्रद्धांजलि सभा ही नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के समक्ष निम्न 7 मांगों को भी रखा गया है। क्योंकि भारत में ऐसे बहुत सारे लोग भी रहते हैं जो भारत का खाते हैं किंतु भारत का ही विरोध करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला एक छात्र लिखता है अपने ट्विटर पे, हाउस द जैस ग्रेट सर। ये वास्तव में भारत के लिए बहुत ही दुख का विषय है कि ऐसे लोग भारत में रह करके भारत का ही विरोध करते हैं, भारतीय सेना की शहादत का मजाक बनाते हैं। इनके लिए हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके उनके लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। इसीलिए ये आंदोलन रखा गया है, क्योंकि एक बार और हमारी ये कोशिश है कि जो आवाज़ उठती है वो केवल JNU और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जैसे बड़े विश्वविद्यालय से नहीं, हमारे पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय से भी आवाज़ उठ सकती है, और हम इसी आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आलोक कुमार सिंह, छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय। जी, आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से है, उनकी पावन बगिया में हम लोग यह देशद्रोहियों को बताना चाहते हैं
कि चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर JNU हो, उसमें जो भी नापाक विद्यार्थी रह रहे हैं, जो इस देश में देश का नमक खा रहे हैं और उसके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, उनको हम लोग बताना चाहते हैं कि इस देश में ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हम लोगों ने 5 सूत्रीय मांग रखा है, जिसमें से अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को खत्म करने की गुजारिश की है, तथा पुलवामा में जो 44 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए एक राष्ट्रीय स्मारक बनाने की मांग करते हैं। साथ में हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को हम लोग मुंहतोड़ जवाब दें। और एक मांग और भी है कि जितने भी पत्थरबाज और कश्मीर में ऐसे देशद्रोही रह रहे हैं उनकी फंडिंग बंद की जाए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को जो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय है उसको केंद्रीय अनुसंधान न बनाया जाए, उसको फंडिंग रोक दी जाए। आज हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में समस्त छात्रावासी, समस्त छात्र गोरखपुर विश्वविद्यालय के यहाँ उपस्थित हैं और हम लोग बहुत ही दुखी हैं और मन स्तब्ध है इस हृदय विदारक घटना से, और चाहते हैं कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से यह आवाज जाए कि समस्त विश्वविद्यालय और समस्त छात्र और समस्त युवा जो देश के हैं, ऐसे ही अपने आप के अपने अंदर देशभक्ति की भावना जगाएं और देशद्रोहियों को यहाँ से खदेड़ने का काम करें।